मसीह खुदावन की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 23 मई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान नवां बाब और 10वीं आयत में यूँ लिखा है, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यसू और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। आमीन। जब हम मरकस दूसरा बाब और लूका पाँचवा बाब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये जो दावत हो रही थी, ये ज़ियाफ़त मत्ती के घर में हो रही थी। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मालिक और खुदावंद मान लिया, अपना निजात दहिंदा मान लिया और उसके पीछे हो लिया, तो उसके बाद उसने अपने घर में एक ज़ियाफ़त का अहतमाम किया जिसमें उसने खुदावंद यीशु मसीह और उसके बाकी शागिर्दों को दावत दी। और इसके साथ ही उसने अपने उन तमाम दोस्तों को भी बुलाया जो महसूल लेने वाले थे, जो गुनाहगार थे, जिनके साथ वो मिलकर पहले गुनाह और बदी की महफिलें जमाया करता था। अब वो चाहता है कि चूंकि मैंने खुदावन को जान लिया है तो मेरे दोस्त भी खुदावन के पास आ जाएं, मेरे दोस्त भी खुदावन को जान लें और उस पर ईमान ले आएं। ये कितनी ही खूबसूरत बात है कि जब हम खुद बच जाते हैं तो ज़रूर है कि हम दूसरों को भी बचाएं। जब हमें खुद रोशनी हासिल हो जाती है तो ज़रूर है कि हम इस रोशनी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मत्ती ने इस ज़ियाफ़त में अपने रुपए पैसे को लगाया, अपने वक्त को लगाया, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया। मकसद एक ही है कि लोग मसीह को जानें। अजीज भाई और बहनों, जब हम बचाए गए हैं तो ज़रूर है कि हम दूसरों को बचाने में अपना किरदार अदा करें। उसके लिए हमें अपना जो कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े कभी भी पीछे ना हटें। और खुदावंद यीशु मसीह का प्यार देखिए, वो गुनाहगारों के साथ खाना खाने बैठ जाता है, वो नफरत नहीं करता। वो गुनाह से ज़रूर नफरत करता है लेकिन गुनाहगारों से प्यार करता है, इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता और वो ये चाहता है कि गुनाहगार भी उसके पास आ जाएं। अजीज भाई और बहन, अगर आप गुनाह की हालत में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद फिर भी आपसे प्यार करता है। आप जैसे भी हैं वो आपसे बेहद प्यार करता है और वो आपको अपनी रफाकत में लेना चाहता है। ज़रूर है कि उसके पास आ जाएं, उसके कदमों में झुक जाएं, अपने आप को खाली करके, गैर मुसल्ला करके उसकी सुपुर्द कर दें। वो आपको और आपकी फितरत को बदल देगा जिस तरह से उसने मत्ती की फितरत को बदल दिया। वो जो गुनाह और बदी से प्यार करने वाला था उसे गुनाह से नफरत हो गई। खुदावंद आपको भी ऐसा बनाने की कुदरत रखता है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ जलाली बुजुर्ग खुदा, मेरी दुआ है कि हम सबको ये फजल बख्श कि हम गुनाहगारों को तेरे पास लाने का सबब और वसीला बन सकें। हमें ऐ खुदा तू अपने खिदमत में इस्तेमाल कर। वफादार खुदा, आज की इस नई सुबह के लिए, इस नए हफ्ते के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ है खुदा कि ये पूरा हफ्ता तेरे लोगों के लिए बायस बरकत हो। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो ईमान में कमज़ोर हैं उनके ईमान को बढ़ा, हमारी बेतकादी का तू इलाज कर और हमें अपनी खिदमत में और ज़्यादा आगे बढ़ा। ऐ वफादार खुदा, मैं मिन्नत करता हूँ जिन भाई और बहनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, सारी दरख्वास्तों को इज्तमाई तौर पर तेरे सामने लाता, लोगों पर रहम कर, बरकत दे, बहाल कर, शादमानी अता कर, ज़रूरतों को पूरा कर ताकि और ज़्यादा तेरी तमजीद हो, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अगर तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।